चलो थैंक यू, थैंक यू सर। चश्मा और मंगवा लूं, कम दिखाई देता है थोड़ा सा, ठीक है। चलो सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स को दिल से इंटरनेट कनेक्शन सही है लगा दो। चलो आप सभी को मेरे ग्रेट मेंटर्स को मेरा दिल से प्रणाम, प्रणाम जी और नमस्कार। सफलता की चार रखने वाले अल्टीमेट अचीवर के सभी दमदार कमांडो का आज के इस वेबिनार में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भविष्य के हजारों डायमंड, वीनस, मरकरी और क्राउन एम्बेसडर से रूबरू होने का सौभाग्य मुझे मिला। क्या हो गया, नहीं आ रही? क्या आ तो रही है? आ रही है ना, आ रही है, थोड़ी सी वाइट है ही ऊपर। नहीं, फुल स्क्रीन ना नहीं आ रही है। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा भाई जी, थोड़ी सी आप अभी करवा, अभी करवा, एक सेकंड जल्दी आप। ये क्या पूछ रहे हैं? कोई नहीं, टेक्निकल में थोड़ा हाथ कमजोर है ना, फौजी आदमी है इसलिए माफ करना जी। टेक्निकल नहीं, आप तो टेक्निकल का रखा ही क्या है। हाँ टेक्निकल में थोड़ा सा हाथ कमजोर है शुरू से ही, क्योंकि हमारे को मिलिट्री पर्सन है इसलिए टेक्निकल चीजें कम आती हैं, बस ये है, काम चला लेते हैं। बिना टेक्निकल बोलेंगे तो सारे लीडर है हमारे बब्बर शेर, आपको सुनने के लिए एकदम उत्सुक है, एक्साइटेड है, जोरदार तरीके से तैयार है पेन डायरी लेके हम सबके साथ। योगी जी जरा वीडियो ऑन करना मेरी वीडियो। हाँ ग्रेट मेंटर देखिए, योगेश साहब, योगेश सर सही आ रही है? हाँ प्ले कर दो इसको, प्ले कर दो, प्ले कर दो, प्ले कर दो, प्ले इसको। हाँ अभी देखना, नहीं नहीं सेम पहले जैसे आ रही है, छोटी करता हूँ स्क्रीन, स्क्रीन को 102 पे कर रखा है, 100 पे, 50 पे कर दो स्क्रीन को, 75 कर दो, 75 अभी प्ले करो, अभी देखना सर। हाँ अभी सही आ रही है, सही आ रही है, सही है, मतलब स्लाइड नहीं कट रही, देखिए सही है ना, 50 करके देखो, और छोटी करूं, कट रही है, 50 करो, 50 करो, 50 कर रखी है गुरुजी, नहीं 75 कर रखी है, 75 हाँ 50 अभी देखिए, बहुत ही बढ़िया, चलो चलाओ, चलो 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 कर दो, स्टार्ट कर दो, बैक से स्टार्ट कर दो, कोई बात, सारे लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं नागल साहब को सुनने के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे सभी ग्रेट मेंटर मेंटर को दिल से प्रणाम, नमस्कार सर, नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। सफलता की चार रखने वाले अल्टीमेट अचीवर्स के सभी दमदार लीडर को, कमांडो को मेरा तहे दिल से स्वागत है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। भविष्य के हजारों डायमंड, वीनस, मरकरी और क्राउन एम्बेसडर से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्टाइल दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सेफ सोप कंपनी का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का और हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का, जिसमें हमारे टॉप लीडर हैं श्री राजीव चतुर्वेदी साहब, श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री सुनहरी लाल साहब, श्री देवेंद्र शर्मा साहब, श्री हरिशंकर साहब, श्री टीकेंद्र सिंह चौधरी साहब और श्री योगेश यादव साहब और हमारे साथी पवन यादव और रामकिशन यादव साहब, सभी साथी लीडर्स का, हमारे टॉप जो ग्रेट मेरे मेंटर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में उंगली पकड़ करके मुझे यहाँ तक लेकर के आए, तो सभी ग्रेट लीजेंड को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अपने अल्टीमेट अचीवर के सभी लीडर्स को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और दोनों मेरी खास अपलाइन हरिविक्रम सिंह राठौड़ साहब और डॉक्टर एमपी सिंह साहब को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे सभी जो साथी हैं, मेरे समकक्ष साथी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री जयपाल चौधरी साहब को, राम साहब को, राजकुमार साहब, तारा जी, विक्रम साहब, चतुर्वेदी साहब, सरजीत साहब, हमारे डीपीसीपी ब्रदर चौहान साहब, प्रजापति साहब, मोहित साहब, शहजाद साहब,
और सभी ऑल डायमंड्स सबको, त्यागी साहब, लक्ष्य जी, सतीश जी, सोहन जी, यादव साहब, अखाराम जी, दुरंदेश जी, मनमोहन जी, धीरेन्द्र जी, नेगी साहब, मीना साहब, संजय जी, सुनील साहब, हेमंत जी, सुधीर जी, मनीष जी, सभी साथियों को मैं नमस्कार बोलना चाहता हूँ दिल से। आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं और आज अल्टीमेट अचीवर में आप सबका एक नाम है, एक मुकाम है, तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आज के इस वेबिनार में। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ना मेरी सरकार है ना रोब मेरा है, मुझे तो एक ही बात का गर्व है, मैं अल्टीमेट अचीवर का हूँ और अल्टीमेट अचीवर मेरा है। मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ पूरे अल्टीमेट अचीवर को, हर योद्धा को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मुझे अपने लीडर पर गर्व है, मुझे अपनी टीम पर गर्व है, मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ आप सबको, आप मेरा स्वाभिमान है। मेरी सबसे बड़ी जो पूंजी है मेरे जीवन की वो मेरी टीम है। तो मैं अगेन आप सबको दिल से सैल्यूट करता हूँ और आप मेरा स्वाभिमान है, और ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं भी आपका जीवन भर स्वाभिमान बना रहूं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत काम है वो काम हमें मिला है। शायद पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए थे, पिछले जन्म में हमने कोई बहुत अच्छे कर्म किए थे, या इस जन्म में हमने बहुत ही कोई अच्छे कर्म कर रखे हैं जिसकी वजह से ये महान सेफ सोप कंपनी, महान सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम, महान अल्टीमेट अचीवर और हमारे सभी लीजेंड हमें मिले। हमारा जो ये काम है ये कोई सामान्य काम नहीं है। मैं आपको एक चीज ये दिल से कहना चाहता हूं, ये कोई सामान्य काम नहीं है, इसलिए हर कोई सामान्य व्यक्ति इसको कर नहीं पाता, इसलिए हर किसी सामान्य व्यक्ति को ये समझ नहीं आता। हमारा ये जो काम है ये सेलिब्रिटी वाला काम है, ये जिंदा दिल लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम है जो जिंदगी में एक आना चाहते हैं, ये उन लोगों का काम है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ जो जिंदगी मिलती है वो बहुत ही हसीन होती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक सेलिब्रिटी लाइफ आप जीते हैं, जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो लाइफ जीते हैं, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन जो लाइफ जीते हैं, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन जैसे टाटा, रिलायंस परिवार के लोग जो लाइफ जीते हैं, या कोई बड़ा साधु संत होता है वो जो लाइफ जीता है, दोस्तों हमें वो लाइफ जीने का मौका मिलता है इस सिस्टम के माध्यम से, इस सेफ सोप के माध्यम से। तो ये कोई साधारण काम नहीं है दोस्तों, दुनिया का सबसे अद्भुत काम है। आठवां अजूबा है या आठवां अजूबा। और आप देख रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटरों को, श्री सुनहरी लाल साहब को, श्री देवेंद्र शर्मा साहब को, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है भाई साहब, जो रील के हीरो होते हैं उनकी हीरोइन तो उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो रियल सेफ सोप के हीरो होते हैं उनकी हीरोइन उसको हमेशा गले लगा करके रखती है, उनकी टीम हमेशा उसको गले लगा करके रखती है। तो मैं अपने इस खास जो हमारा बिजनेस है इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आपको बधाई हो, आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हो, आप प्राउड फील करो। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और आज मेरी बात को हजारों नहीं आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, अमिताभ बच्चन साहब किसी दूसरे व्यक्ति को अमिताभ बच्चन नहीं बना सकता, शाहरुख खान किसी दूसरे व्यक्ति को शाहरुख खान नहीं बना सकता, और तेंदुलकर साहब किसी दूसरे व्यक्ति को तेंदुलकर नहीं बना सकता, और मोदी साहब किसी दूसरे व्यक्ति को मोदी साहब नहीं बना सकता, लेकिन थैंक्स सेफ सोप, थैंक्स सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम, थैंक्स हमारे लीजेंड, जैसे वो खुद बने हमारे लीजेंड, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों को अपने से भी बेहतर बनाने का मौका आता है। इसलिए हम प्राउड करते हैं अपने इस बिजनेस को, बधाई हो, वर्ल्ड क्लास बिजनेस है, वर्ल्ड क्लास काम है, आपको प्राउड फील करना चाहिए। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने इस खास काम के लिए। दोस्तों, हमारी जो इंडस्ट्री है इसके अंदर चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, सबसे पहली बात कंपनी, दूसरी बात सिस्टम, और तीसरी बात हमारे जो ग्रेट मेंटर अपलाइन होते हैं, तीसरी वो होते हैं, और चौथे आप स्वयं होते हैं। अगर तीन चीजें मजबूत हैं और तीन चीजें पहले साबित हो चुकी हैं, प्रूव कर चुका है, तो चौथी बारी हमारी होती है। तो एक बार इसके ऊपर नजर डालेंगे। काफी लीडर्स को जो मुझे सुन रहे हैं, आपको ये लग रहा होगा ये
बिजनेस किसी खास व्यक्ति के लिए होगा या खास लोग इस बिजनेस को कर पाते होंगे या इसके लिए कुछ खास क्वालिटी चाहिए। मैं आपको रियल बता देता हूं, इस बिजनेस के लिए कोई खास क्वालिटी नहीं चाहिए। इस बिजनेस के लिए एक क्वालिटी चाहिए, आपकी सांस चलती हुई होनी चाहिए और आपकी एक चाहत होनी चाहिए, आपकी एक इच्छा होनी चाहिए। आज जो जीवन आप जी रहे हैं इससे बेहतर जीवन जीने की, आज जो आपकी लाइफ है इससे बेहतर लाइफ जीने की आपकी चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा है, आप जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहते हो, आज आप नौकरी कर रहे हो और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, और ज्यादा इज्जत चाहते हो, और ज्यादा मान सम्मान चाहते हो, और ज्यादा कुछ परिवार के लिए करना चाहते हो, तो बस क्वालिटी कुछ नहीं चाहिए, एक ही क्वालिटी चाहिए, आप सांस ले रहे हो यानी धरती के ऊपर हो और जिंदा हो, बाकी सारी क्वालिटी यहाँ पर इस सिस्टम में आकर के आपके अंदर डेवलप हो सकती है, हम सीख सकते हैं। क्योंकि आपने जीवन में बहुत से काम ऐसे किए हैं जो पहले आपको बिल्कुल नहीं आते थे। जब हम पैदा हुए माँ का दूध पीना नहीं आता था, खाना खाना नहीं आता था, फिर चलना नहीं आता था, फिर दौड़ना नहीं आता था, स्कूल में गए तो पढ़ना नहीं आता था हमें, फिर साइकिल चलानी नहीं आती थी। जिंदगी में क्या क्या सीखा हमने, हजारों चीज सीख करके आज हम सब बहुत कुछ जानते हैं जिंदगी। तो आप ये सिंपल सी छोटी सी चीज है, दो चार बातें जो सिस्टम की बातें बिल्कुल साधारण बातें, तो उनके ऊपर चल के आप बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल। जब मेरे जैसा अनाड़ी आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो आप सब तो मेरे से बहुत बेहतर हैं, आप तो खिलाड़ी हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अब चल बात करते हैं सेफ सोप कंपनी की। इस कंपनी ने जब शुरुआत की थी तो दोस्तों एक प्रोडक्ट से की थी, एक वेब डिजाइन के प्रोडक्ट से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 2001 में जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब, और मात्र एक छोटी सी कोठी के अंदर, दो तीन कमरे के, तीन चार कमरे के रूम के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और 8 से 10 स्टाफ थे इस कंपनी के अंदर, 5 डायरेक्टर थे और 8 से 10 स्टाफ थे। वहां से कंपनी ने ग्रोथ स्टार्टिंग की थी, ये लगा लो मारुति 800 थी उस टाइम, और आज इस कंपनी ने अपने आप को लग्जरी बना लिया है, एक ब्रांड बना लिया है, जैसे BMW, ऑडी, रेंज रोवर एक ब्रांड है, वैसे आज ये कंपनी सेफ सोप जो हमारी कंपनी है ये पिछले 19.5 साल से एक ब्रांड बन चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी है, एक मतलब सबसे अग्रणी जो कंपनी है वो हमारी कंपनी। तो निश्चित रूप से जब कंपनी ने वहां से शुरुआत की थी, आज 4 मंजिला बिल्डिंग है कंपनी की और वहां पर बहुत बढ़िया रूप से कंपनी चल रही है, और आज जो स्टाफ शुरू में 8-10 में था आज वो सैकड़ों में स्टाफ हो चुका है, 400-500 लोग कंपनी के अंदर बढ़िया रूप से काम कर रहे हैं और कंपनी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो नेचुरल है कंपनी अपनी ग्रोथ कर चुकी है। दूसरी चीज जो होती है, दूसरा पिलर है, क्योंकि पहला पिलर हो गया कंपनी, तो कंपनी के बारे में न तो हमें समीक्षा करने की जरूरत है, न सोचने की जरूरत है, और जीवन में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब आप 1% भी संदेह नहीं करना। जैसे हम भारतीय सेना पे संदेह नहीं करते, जैसे हम पुलिस पे संदेह नहीं करते, जैसे हम अपने सिस्टम के ऊपर जो हमारा सिस्टम है, न्याय का जो सिस्टम है उसके ऊपर संदेह नहीं करते, तो दोस्तों आपको सेफ सोप के ऊपर संदेह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको भरोसा करने की जरूरत है। दूसरी बात सिस्टम की है, इस सिस्टम के अंदर आकर के आपने देखा होगा स्टूडेंट भी कामयाब हुए, टीचर भी कामयाब हुए, लड़के भी कामयाब हुए, लड़कियां भी कामयाब हुई हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी कामयाब हुए, इंजीनियर भी कामयाब हुए, CA भी कामयाब हुए, आर्मी वाले भी कामयाब हुए, पुलिस वाले भी कामयाब हुए, यानी एक सफाई करने वाला भी आदमी कामयाब हुआ है और एक गार्ड की नौकरी करने वाला आदमी भी कामयाब हुआ है। यानी ये सिस्टम बिल्कुल नहीं देखता कि कौन व्यक्ति किस कितनी एजुकेशन से आया है और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी समझ है, बस ये सिस्टम एक ही चीज देखता है, आइए आप मेरी प्रणाली को एक्सेप्ट करिए, जो मेरे रूल हैं उनको आप फॉलो करिए, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपने अगर मेरी कही हुई बातों को मान लिया तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे चले जाते हैं, कोई किसी का बच्चा पढ़ने चला जाता है तो वो आदमी भरोसा कर लेता है कि मेरा बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए चले गए और बड़े आदमी बन करके आएंगे, तो इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप भरोसा कर लीजिए। अगर आप स्वयं सुन रहे हैं मुझे, आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, आपके माँ बाप सुन रहे हैं, आपको कोई भी व्यक्ति सुन रहा है इस धरती के ऊपर, अगर आप इस
सिस्टम के अंदर आ गई और इस सिस्टम की बातों को आपने मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको यहां से कामयाब होने से रोक दे। आप 101% इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तीसरी बात होती है अपलाइन। अपलाइन के बारे में हमारी यहाँ पर अपलाइन है, हमारे ग्रेट मेंटर हैं, हमारी बहुत ही पवित्र आत्मा है इस धरती की। मैं तो उसको अपनी जिंदगी में ये बोलूंगा कि बहुत ही महान आत्मा है। एक जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के लिए। हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब को मैंने जिंदगी में देखा है, जब से देखा है बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। कभी मैंने उनको बीड़ी सिगरेट शराब पान मसाला तंबाकू कुछ भी खाते हुए नहीं देखा है, और मीट मछली कुछ भी नहीं। एक बहुत ही पवित्र आत्मा, हमेशा इंसान के बारे में अच्छी सोचते हैं और हर इंसान के बारे में भला चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अब हमारी जो अपलाइन है, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब 30 लाख से ज्यादा की टीम बना चुके। हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब, देवेंद्र शर्मा साहब लगभग 10 लाख लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी टीम आज मतलब स्टार्टिंग की है, 2 की हुई है, 10 की हुई है, 500, 1000, 2000, 5000 की हुई है, तो हमें चिंता करने की जरूरत है। यानी जब तक हम 30 लाख की चिंता बनाए, 30 लाख की टीम बनाएंगे, उतना एक्सपीरियंस तो हमारी अपलाइन के पास ऑलरेडी है 30 लाख की टीम बनवाने का। और जिस दिन हमारी, मैं आपसे एक वादा और कर रहा हूं, जिस दिन आपकी टीम 30 लाख की होगी, उस दिन हमारी जो अपलाइन है उसकी टीम 30 करोड़ की होगी। तो आपको निश्चित रहना है कि अपलाइन बहुत कुछ समझदार है, हमसे आगे चल रहे हैं और उनके साथ मिलकर के हम भी बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। प्रोडक्ट कंपनी ने अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रमोट मतलब आगे डेवलप किया और आज कंपनी ने जहां एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, 148 प्रोडक्ट कंपनी के पास, 148 प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं। और भाई साहब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर पल काम आ रहे हैं। खाली एक कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत से ब्रांड होते हैं जिनके शोरूम में आप जाओगे, अगर आप बाटा के शोरूम में चले गए तो सिर्फ आपको जूते मिलेंगे, अगर आप रेमेड के शोरूम में चले गए तो आप जूते मिल जाएंगे। आपको वहां पर हल्दी लहसुन धनिया मिर्च नहीं मिलेगी, आपको वहां पर साबुन नहीं मिलेगा, शैम्पू नहीं मिलेगा, आपको वहां पर परफ्यूम नहीं मिलेगी, और आपको वहां पर भाई साहब अपनी वेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, नोनी एलोवेरा डाइबा केयर नहीं मिलेंगे। तो ऐसे है, लेकिन हमारी कंपनी के अंदर आज 148 प्रोडक्ट हैं। बधाई हो आपको, आप 148 प्रोडक्ट के मालिक हैं। आज आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि 148 प्रोडक्ट, जिसके अंदर रेमंड कंपनी भी है, जिसके अंदर रिलायंस भी है, जिसके अंदर ग्रेसियम भी है, वर्ल्ड इंडिया की टॉप जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट हमारे पास हैं। इसका मतलब एक बात यह है कि आप और हम 148 कंपनियों के मालिक हैं, 148 प्रोडक्ट के हम मालिक हैं। बधाई हो आपको, कंपनी वर्ल्ड क्लास, सिस्टम वर्ल्ड क्लास, अपलाइन वर्ल्ड क्लास, और जिस टीम में आप काम कर रहे हैं वो टीम भी दोस्तों वर्ल्ड क्लास है। आप अल्टीमेट अचीवर में काम कर रहे हैं, अल्टीमेट अचीवर भी अपने आप में एक वर्ल्ड क्लास है दोस्तों। रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मेकिंग ग्रुप की एक ही पहचान है, ये ग्रुप शुरू से ही रिकॉर्ड बनाता है, और नए नए रिकॉर्ड किसी ने अगर बनाए तो उनको तोड़ने का अगर कोई मादा रखता है तो ये हमारी टीम रखती है। 2 लाख के चेक बनाने की बात हो उसकी लाइन लगा रखी है, लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगा रखी है, और 7-7 लाख के चेकों की बात आए तो उसकी भी लाइन लगा रखी है। तो बधाई हो, आप खास टीम के सदस्य हैं तो इसके लिए भी आप बधाई। यानी यहां पर तो आपकी किस्मत ने आपका बहुत तगड़ा साथ दिया, रियल आपको गर्व होना चाहिए इस बात के लिए कि आपने कंपनी बहुत अच्छी सिलेक्ट हुई आपके साथ, सेफसो सिस्टम बहुत अच्छा सिलेक्ट हुआ है आपके साथ, अपलाइन बहुत अच्छी सिलेक्ट हुई है, और जिस टीम का आप हिस्सा है वो टीम आपको बहुत ही खूबसूरत मिली है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई दे देता हूं। और दोस्तों मुझे तो बड़ा फख्र है। अब मुद्दे की बात आती है हमारे स्वयं के ऊपर। मैंने जो, मैं आपको रियल बातें करता हूं, मैं ज्यादा किताबों की बातें नहीं करता और को ज्यादा इतनी बात आती है। 47 साल में जो सीखा, 47 साल के अंदर, लगभग शादी को भी 30 साल हो गए, बेटा है ग्रेजुएशन कर रहा है, 18 साल भारतीय सेना में नौकरी करके आ गए, भारतीय सेना से भी बहुत कुछ सीखा, वहां पर भी बहुत सी चीजें रही, लाइफ के अंदर भी रहा, घर परिवार से सीखा, चाचा जी आर्मी के अंदर अधिकारी हैं, कर्नल से रिटायर्ड हैं, वो पॉलिटिक्स में रहे हैं, उनके साथ भी रहा, वहां से भी सीखा काफी चीजें, तो जीवन का एक्सपीरियंस निकल के आया। पिछले 11 साल से सेफ सोप परिवार के साथ जुड़ा हुआ, इस सिस्टम में आकर के सीखा, लोगों की सफलता को देख करके एक चीज सीखी। वो कुछ बातें मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा,
और आज जरूर मैं आपसे वो बातें करूंगा कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर टॉप में जा सकते हो, बुलंदियों को छू सकते हो। दोस्तों सबसे जरूरी जो चीज है वो होती है भरोसा। अगर हमें भरोसा है, अगर भरोसे की बात करूंगा मैं, तो भरोसा किसी दूसरे इंसान पे नहीं, खुद के सबसे महत्वपूर्ण पार है हमारे लिए वो है भरोसा। और भरोसा बहुत बड़ी पूंजी होती है। अटूट विश्वास ही सफलता की नींव है। अगर आपको भरोसा है यस मैं कर सकता हूं, तो आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं। एक चीज चाहिए, वो है आपको भरोसा। बाकी सब चीजें आप सीख सकते हैं, आपको सब चीजें सीख सकते हैं। आप यहां पर प्लान देनी सीख सकते हैं, इन्विटेशन करना सीख सकते हैं, फॉलोअप करना सीख सकते हैं, सिस्टम की हर चीज सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको स्वयं को अपने अंदर डालनी पड़ेगी, उसको दुनिया में कोई नहीं डाल सकता। वो चीज है आपका अपने आप के ऊपर भरोसा। आप अपने आप के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, आपको अपने अंदर से कितना बिलीव है। अगर आपका अंदर से ये आवाज आ रही है कि यस मैं कर सकता हूं, तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। और ये जरूरी नहीं है एक बहुत अच्छी पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक बहुत अच्छे मुकाम पे बैठा हुआ व्यक्ति भरोसा करे या ना करे, लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी भी भरोसा कर सकता है अपने आप पे। जिसने जिंदगी में पहले अचीवमेंट लिए, क्या पता उसका भरोसा लड़खड़ा रहा हो, और जिसने जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट नहीं लिया हो, क्या पता उसको अपने आप पे भरोसा हो। कई लोग जिंदगी में देखते हैं कि सफल होता है उसी आदमी को भरोसा होता है। नहीं, हमने जीवन में बहुत बार गिरे, इस बिजनेस में आने से पहले हम बहुत बार गिरे, लेकिन एक चीज मैं अपने ऊपर बात करूं, मेरे अंदर शायद कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर एक क्वालिटी मानता हूं, मेरे को अपने आप पे भरोसा। जो एक क्वालिटी नागल के अंदर है जिसका नाम है भरोसा, और ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं शमशान घाट जाऊंगा। उससे पहले मेरे से सब कुछ चीजें छीनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे से मेरा भरोसा नहीं छीना जा सकता। एक कदम आगे बढ़ाने का भरोसा, गिर के उठने का भरोसा, हर चीज का जो भरोसा मुझे मिला है और मैं अपने आप पे करता हूं, वो सबसे जरूरी पार्ट है। हम फौजी आदमी, हम आर्मी में जो फौजी आदमी वो जानते हैं साहब, बीपीटी होती है, दौड़ते हैं 5 किलोमीटर की। तो बहुत से अट्ठे कट्टे लोग होते हैं, लंबे तकड़े होते हैं, और जब वो बीपीटी स्टार्ट होती है उनके पहले पेशाब लग जाता है, और वो पेशाब करने के लिए दौड़ते हैं, बोला रस्ते में कहीं पेशाब का प्रेशर न लग जाए, क्योंकि वो 5 किलोमीटर जब पूरा पीछे पिट्ठू लगा करके दौड़ना होता है, और कंधे पे जब राइफल होती है उसके साथ जब इंसान दौड़ता है तो बहुत ताकत लगती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ फौजी साहब भाई होते हैं, जो उस टाइम मुस्कुराते हैं, जो पेशाब करने के लिए जाते हैं उनको दौड़ करके हंसते हैं, खुश होते हैं, बोला देख अब इसको लग गई, इसका मतलब इसको भरोसा नहीं है। और कुछ लोग इतने मजबूत होते हैं जब वो दौड़ते हैं तो अगर कोई दौड़ नहीं पाता उसको बोलते हैं ला तेरी बंदूक मुझे दे दे, और दूसरे की भी बंदूक लेकर के और दौड़ जाते हैं और पास होते हैं, एक्सीलेंट आते हैं। ये सिर्फ भरोसे का खेल है। एक मजबूत आदमी शायद भरोसा न कर पाए, लेकिन आपने इतिहास में बहुत बार देखा होगा, आपने कबड्डी खेली होगी, आपने कुश्ती लड़ी होगी, आपने कई बार देखा होगा एक कमजोर आदमी भी तकड़े इंसान को थप्पड़ मार देता है, और वो तकड़ा व्यक्ति भी वहीं से चुपचाप चला जाता है। देखने वाले भी अचंभित होते हैं कि यार ये बड़ा कमजोर सा आदमी है, तो इतने छोटे बच्चे से या छोटे आदमी से, इसकी तो हाइट भी नहीं है, वेट भी नहीं है, दुबला पतला है, लेकिन इससे कैसे पिटके आ गया। एक्चुअल में उस इंसान को भरोसा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दुनिया के अंदर एक है जिसका नाम है भरोसा। और अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो बधाई हो, आपको यहाँ से डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मर्करी, क्राउन और क्राउन एम्बेसडर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। और आप मुझे सुन रहे हैं तो एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं, और कैदा होता है भरोसा ये नहीं है। कई बार हम अपनी असफलताओं को देख करके अपने भरोसे को खो देते हैं। कभी भरोसे को नहीं खोना असफलताओं को देख करके। मैं खुद अपने जीवन में बहुत बार असफल हुआ हूं। मेरे साथ के सभी आज आर्मी के अंदर जेसीओ हैं, मैं नहीं हूं। मेरे साथ वाले आज सब के सब का प्रमोशन हो गया था 7-8-9-10 साल में, मेरा नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज देखिए, तो आप जिंदगी में कितनी बार असफल हुए इससे कोई मायने नहीं रखता, आज आप क्या करते हैं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आज इस वक्त अपने आप पे आप भरोसा कितना कर रहे हैं। अगर आपको भरोसा है यस मैं कर सकता हूं,
तो बधाई हो, आपको दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो भरोसा है, लोगों ने अपने आप पे बहुत भरोसा किया है, विश्वास किया है। आप केजरीवाल साहब को देखिए, IRS थे, वहां से अपनी जॉब को छोड़ करके और दूसरी लाइन में चले गए, पहले समाज सेवा की और पॉलिटिक्स में आ गए, CM बन गए। मैं एक एग्जांपल क्यों दे रहा हूं इनका, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं भरोसे की बात करूंगा। क्यों? जब इन्होंने IRS की नौकरी को छोड़ा होगा तो इनका भी मन कई बार डोला होगा कि छोड़ू या नहीं छोड़ू, लेकिन इनको भरोसा था जब मैं IRS बन सकता हूं तो मैं जिंदगी में और भी आगे जा सकता। तो आप जिस मुकाम पे आज हैं, अगर आप 10th पास कर सकते हैं, अगर आप 12th पास कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, अगर आप कोई एक छोटा मोटा अपना कोई भी काम कर सकते हैं, या आप अपना कोई बड़ा भी काम कर सकते हैं, यानी आपने आज तक जीवन में बहुत से काम किए होंगे, तो जब आप पहले कई काम कर चुके हैं, कई जगह आप पास हो चुके हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, आप सेफ शॉप में भी डायमंड भी बन सकते हैं और क्राउन इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। तो हमारा अपने आप पे भरोसा करना बहुत जरूरी। अन्ना हजारे को देख लीजिए, आर्मी में थे और वहां से आर्मी की नौकरी छोड़ करके रा करके अपने समाज सेवा में लग गए। आज पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है, छठ सुरक्षा तक मिली हुई अन्ना हजारे जी। तो आप मानिए कि एक आम आदमी, यही तो है भरोसा, और क्या है। कई साथी अपने भरोसे अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते, कई साथी हमें बोलते हैं आप ये बताओ मैं कर सकता हूं क्या। रियल में मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, मैंने अपने सीनियर से नहीं पूछा जिस दिन मुझे बिजनेस दिखाया गया था कि मैं कर सकता हूं क्या, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सच में इस बिजनेस में पैसे आते हैं, सच में या लोग कामयाब होते हैं? उन्होंने बोला यस, पैसे आते हैं, लोग कामयाब होते हैं। तो मैंने एक ही सेंटेंस बोला था, आज हम भी शुरुआत करते हैं, और इस चीज के लिए शुरुआत नहीं करते हैं कि 2-4-5 हजार की टीम बनाएंगे या 1,000-2,000 रुपए कमाएंगे। मेरे ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, हरिविक्रम सिंह राठौड़, पूछ लेना, मैंने एक ही सेंटेंस बोला था, या तो इस काम को करेंगे नहीं, और करेंगे तो टॉप में जाएंगे, ये हमारा वादा है। और ये सेंटेंस आज भी हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भरोसा है। तो भरोसा करें आप अपने आप पे। अन्ना हजारे को अपने आप पे भरोसा था, धोनी फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल का गोलकीपर था, और वहां से वो क्रिकेट का गोलकीपर बन गया, उसको भरोसा था अपने। जो इंसान फुटबॉल का गोलकीपर बन सकता है तो दोस्तों वो क्रिकेट का भी बन सकता है। भरोसा करिए। आज आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी के साथ सेफ शॉप कर रहे हैं तो भरोसा करिए। आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करने का भरोसा करिए, अगर आप फुल टाइम उतरना चाहते हैं तो फुल टाइम उतरने का भरोसा कीजिए। संदेह मत करिए, संदेह, संदेह दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। संदेह मत करिए एक पल के लिए भी अपने आप के ऊपर। यू कैन डू इट, मैं कह रहा हूं आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि आप कर सकते हो, तो आप किसी से मत पूछने जाइए। कई बार हम भ्रम में पड़ जाते हैं, दूसरे साथियों से राय मांगते हैं, दोस्तों से राय मांगते हैं, साथ में नौकरी करने वालों से राय मांगते हैं, अपने माँ बाप से राय मांगते हैं, अपने से बड़ों से राय मांगते हैं। तो मांगनी चाहिए राय, मैं मना नहीं कर रहा हूं, राय पक्का मांगनी चाहिए, लेकिन एक चीज और बता देता हूं, आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं ये बात दूसरा व्यक्ति कैसे जाने, सामने वाला व्यक्ति कैसे बता सकता है कि आप कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये मेरे को बता दीजिए आप। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अनुमान लगा सकता है आपके पीछे की लाइफ के एक्सपीरियंस को देख के, कि आपके मैट्रिक में कितने नंबर थे, आपके 10th 12th में कितने नंबर थे, आपने कैसी नौकरियां किए, आपने कैसे व्यवसाय किए, उसके ऊपर दूसरा आदमी आपके ऊपर अनुभव कर, मतलब आपके ऊपर एक गैस लगा करके आपको बताएगा कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक चीज बताइए, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं था, मेरे पास जितने एक्सपीरियंस थे पीछे के सब फेल थे। मेरे चाचा जी बोलते थे तू नालायक है, 10वीं के अंदर 33%, 12वीं कर नहीं पाया, छोड़ दी, उसके बाद 12वीं के लिए कई बार ट्राई किया, 95 में ट्राई किया, नहीं हुई, 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 4 5 6 7 8 नहीं हुई 12वीं पास। लेकिन मेरे को मेरे ऊपर भरोसा था कि मैं पक्का जीवन में मरने से पहले साला 12वीं पास तो पक्का करूंगा, और मैंने 12वीं पास की 2010 में 12वीं। यही तो है भरोसा। बहुत से लोग IAS एक बार में बन जाते हैं, और बहुत से लोग IAS 5वीं या 6ठी बार में बनते हैं। कैप्टन बत्रा आप उन्होंने देखना,
आप उनकी जीवनी पढ़ना, कितनी बार उन्होंने एसएसबी का एग्जाम दिया और कितनी बार वो रिजेक्ट हुए, लेकिन उनका जुनून था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, उनको भरोसा था अपने आप पे कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। दोस्तों ये भरोसा ही आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, सेफ सॉप की रिसर्च नहीं करनी है, हमें सिस्टम की रिसर्च नहीं करनी है, हमें अपलाइनों की रिसर्च नहीं करनी है, हमें किसी की रिसर्च नहीं करनी है, हमें तो एक ही काम करना है, हमें अपनी रिसर्च करनी है, खुद से पूछना है कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर से एक बार आवाज आ गई कि यस मैं कर सकता हूं, उसके बाद दुनिया में किसी की नहीं सुन। और बीच में अगर आपका भरोसा कभी लड़खड़ाए तो फिर याद कर लेना, थप्पड़ दूसरे को नहीं मारना, खुद को मारना कि जब तूने दुनिया में पहले किया है तो मैं कर सकता हूं। कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो हमें जीवन में रोकती हैं, वो रोकने वाली चीजें होती हैं। अगर किसी इंसान के पैर के अंदर कांटा लग जाए तो उसको क्या करेंगे, निकालना चाहिए या उसको लेके चलना चाहिए? समझदार इंसान निकालेगा। दोस्तों जब इस बिजनेस को हम करते हैं तो बहुत से कांटे हमारी लाइफ में होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में होती हैं, कई बार हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, क्या करें या क्या न करें। दोस्तों अगर आपको भरोसा है तो जो भी कांटा आपको लग रहा है, जो भी चीज आपको रोक रही है, या तो उसको समझा दीजिए या उसको हटा दीजिए। अगर आप वास्तव में सफलता चाहते हैं तो जो चीज आपको रोक रही है उसको आप हटा दीजिए या उसको समझा दीजिए, यानी उसका रास्ता निकालिए। क्योंकि हम ज्यादा कोई भी चीज रोकती है, मैंने आर्मी की नौकरी के साथ इस बिजनेस को किया था, मैं रियल में बताऊं, आर्मी के अंदर जो फौजी साहब हैं, फौजी भाई हैं हमारे, सब जानते हैं, रियल बताऊं, मैंने जिस दिन से बिजनेस की शुरुआत की थी उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को कई बार आर्मी में जो मेरे सीनियर थे वो बोलते थे भाई तुम क्यों कर रहे हो, मैं रियल में ये बोलता था साहब काम बढ़िया है और बहुत अच्छा काम है, मैं किसी का कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं बोला जो पैसे लगा रहा है सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है, मैं बोला सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद रहा है, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद जब हम दूसरे लोगों को बताते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। मैंने मेरे सीओ साहब को ये बात बताई, मैंने मेरे एडजुटेंट साहब को ये बात बताई, मैंने उनको पूरा प्लान समझा दिया, वो बोले काम तो आपका बढ़िया है, मैं बोला थैंक यू सर, और मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं, मैंने मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 3 साल मैंने नौकरी के साथ किया, लेकिन मैंने रोका नहीं, मेरी अगर ड्यूटी लगी तो भी मैंने काम किया। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट होता था और रात को 1-1 बजे तक मैंने काम किया, सामने मेरे कोई भी चीज नहीं आई, जो भी कांटा मेरे रास्ते में आया, मेरे पैर में लगा, मैंने उस कांटे को निकाल दिया। मेरे घर वालों ने मेरे को जाने आने नहीं दिया, मेरे चाचा जी ने मेरे को काफी डांट मारी और बोला नालायक ये भी कोई काम है। मैं शुरू के 3 साल अपने घर भी नहीं जा पाया, क्यों नहीं गया, क्योंकि वहां जाऊंगा वहां घर वाले नेगेटिव कर देंगे। तो एक्चुअल में कारण क्या होता है, मैं मेरे चाचा जी को नहीं समझा सकता, उनको आज भी नहीं समझा सकता, चाचा जी को समझाना मेरा काम नहीं है, मेरे को समझाना मेरा काम है। और जब मैं इतना बड़ा काम करूंगा, आज जो कर रहा हूं उनको प्राउड फील होता है, और आगे जो जीवन में करेंगे उनको गर्व होगा। दोस्तों एक्चुअल में हमारे को कौन सी चीज ऐसी होती है जो रोकती है, जो मैंने समझा है, हमारे को रोकने वाली चीजें होती है हमारे पुराने प्रोग्राम। हम सब, आप और हम ऐसे बैकग्राउंड से आए कि न तो वहां पर बड़ी बातें होती हैं और न वहां बड़ी बातें करने का परमिशन दिया जाता है, वहां लाखों करोड़ों की बातों का तो कोई परमिशन ही नहीं देता, और न तो ये परमिशन मेरे घर में था, क्योंकि मेरे घर में तो एक ही परमिशन था, नौकरी कर बेटा, नौकरी 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 से बढ़िया कोई चीज धरती पे नहीं है। मेरे दोस्त हैं गांव के अंदर, वो या तो खेतीबाड़ी करते हैं या नौकरी करते हैं, कोई फौज की नौकरी करता है तो कोई प्राइवेट नौकरी करता है, तो सारे जो मेरे साथी थे, मेरे पूरी जो रिश्तेदारी हैं उनके अंदर सारे नौकरी करते हैं, मेरे चाचा जी आर्मी में ऑफिसर थे, बाकी मेरे रिश्तेदारियों में काफी 80-90 आर्मी ऑफिसर हैं, बड़े बड़े लेवल के ऊपर हैं, कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी पूरे परिवार में, तो सारे। अब हमारे खानदान में अगर किसी से भी बात करो तो हमारे खानदान की पहली प्राथमिकता नौकरी था। अब जब हमारे खानदान की पहली प्राथमिकता नौकरी है, दूसरी खेतीबाड़ी या कोई छोटा मोटा काम कर, लेकिन अगर हमारे घर में जाकर के किसी को ये बोले कि आप 4 लाख रुपए सप्ताह कमा सकते हो तो कौन यकीन करे। अब हम आर्मी में हैं, आर्मी में जब नौकरी करते थे तो आर्मी के अंदर क्या बोला जाता है ज्यादातर, अभी आप नायक हो, आप होलदार बन जाओगे, फिर जेसीओ बन जाओगे,
जेसीओ के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, आपको आराम हो जाएगा, जेसीओ मैच लागू होगा। जब हम फौज में भर्ती होते हैं तब से ये चीजें सीखते हैं। ऐसे करते करते जीवन में हमारे प्रोग्राम क्या बन गए, हमारे प्रोग्राम बन गए कि यहीं पर हमें प्रमोशन लेना है। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं, हमारे साथ के लोग, हमारे जिस जिस माहौल में हम रहते हैं, जैसी संगत में हम रहते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर हमारे प्रोग्राम बन जाते हैं। तो जब हमारे माइंड के अंदर ये चीजें आती हैं, दो चीजों में जब चुनाव करने की बारी आती है, सेफ सो या नौकरी, सेफ सो पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऑप्टिकल आता है, कोई भी ऑप्टिकल, कोई भी समस्या आपके सामने आती है, तो उस टाइम हमारे सामने एक युद्ध होता है हमारे माइंड के अंदर। और युद्ध क्या होता है, युद्ध ये होता है कि करूं या नहीं करूं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उस टाइम हमारे जो पीछे के प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमें क्या कर देते हैं, वो प्रोग्राम हमें बोलते हैं। अगर पीछे के प्रोग्राम सॉलिड है, मजबूत है, तो वो प्रोग्राम बोलेंगे यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप फैसला लीजिए, आप स्ट्रॉन्ग फैसला लीजिए। और अगर हमारे प्रोग्राम कमजोर हैं तो दोस्तों उस टाइम हमारे प्रोग्राम बोलेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, बाद में करना, ये प्रॉब्लम है, अभी नहीं करना, बाद में करना। यानी काफी चीजों में हम उलझ जाते हैं। यहाँ पर मैंने जीवन में एक ही चीज पहले दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं सेफ सॉप करूंगा और इसको दिल से करूंगा। पहले नंबर पे जीवन सेफ सॉप, बाकी दुनिया की सारी चीजें बाद में। ऐसा नहीं है कि हम सब चीजों से प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, हम कोई बाबा जी नहीं है, हम भी पारिवारिक इंसान है, हम अपनी हर जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी निभाते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं, बड़े प्यार से निभाते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे जीवन में हमारा बिजनेस है, क्योंकि आज जो मेरी पहचान है वो मेरे बिजनेस की वजह से। तो दोस्तों हमारे पुराने प्रोग्राम, और मैं आपको प्रोग्राम चेंज करने के लिए, मैंने जो करता हूँ, जो मैंने सीखा अपने अपलाइनों से, सिस्टम से, प्रोग्राम चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक हमें सेल्फ टॉक अपनी बनानी चाहिए, हमें अपनी सेल्फ टॉक सुननी चाहिए, हमें ऑडियो वीडियो सुननी चाहिए, उसके बाद हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में आपको जो आप सपने पूरा करना चाहते हो तो उस टाइम वो अपने सपनों को देखिए, उसके बाद अपने ड्रीम को लिखना है। तो ये सारे काम हमें अपने प्रोग्राम चेंज करने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। आप अपने सपनों को लिखिए, उसके बाद किताबें पढ़िए। तो ये इन सब चीजों को करने से क्या होगा, हमारा धीरे धीरे प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। आज हम हजारों बातें नहीं करते, आज हम लाखों की बातें करते हैं। और सच पूछो लाखों की नहीं, आज हम करोड़ों की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम चेंज हो गया। अब मुझे कोई बोले नागल, जब मैं बिजनेस में आया तब पल्सर पे था, मेरे से पहली बार गाड़ी पूछी कौन सी लेगा, तो मैंने मेरा माइंड एक्सेप्ट किया 7-8 लाख की। फिर जब 7-8 लाख की गाड़ी की आ गई तो फिर मेरे से पूछा कौन सी गाड़ी लेगा नेक्स्ट, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट किया 15-16 लाख की। फिर मैं एक्सयूवी लेकर के आ गया 18.5 लाख की, पहली गाड़ी 8.5 लाख की, दूसरी 18.5 लाख, तीसरी गाड़ी मेरे को बोला कि कौन सी लेगा, तो मैं उस टाइम तीसरी गाड़ी जो ओडी है वो कैश खरीद के लेके आ गया, 44 लाख रुपए की गाड़ी, माइंड एक्सेप्ट कर रहा है। और आज अगर मुझे कोई ये बोले बेटा नागल, मेरे आदर्श, मेरे ग्रेट मेंटर बोले कि मिस्टर राजवंश नागल, क्या आप जीवन में हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, मैं बोलूंगा यस सर, मैं हेलीकॉप्टर ले सकता हूँ। अब कोई अनाड़ी आदमी मेरे को पूछेगा कि मिस्टर राजवंश नागल आपको तो हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता, कैसे लोगे, आपके बाप दादा ने कभी नहीं लिया। भाई सिंधिया के बाप दादा सिंधिया जब हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, मुकेश अंबानी हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, बाकी लोग हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, तो उनको खुद को हेलीकॉप्टर थोड़ी उड़ाना आता है, उन्होंने पायलट रखा हुआ है। तो जब दूसरे लोग पायलट रख सकते हैं तो हम पायलट क्यों नहीं रख सकते। आज मेरा माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका है, कारण प्रोग्राम चेंज। प्रोग्रामों का बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों, जैसी संगत वैसी रंगत। सेफ सॉप हमें संगत देती है, हमारे प्रोग्राम चेंज हुए। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमारे प्रोग्राम चेंज किए, किताबें पढ़ के, ऑडियो वीडियो सुन के, अपलाइनों के साथ रह के। हमारे ग्रेट मेंटरों को देखिए आप मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब को देखिए, सुनहरी लाल साहब को देखिए, देवेंद्र शर्मा साहब को देखिए, टिकेंद्र साहब, हरिशंकर साहब, योगेश साहब को देखिए, आज आप पवन जी की लाइफस्टाइल देखिए, तो आप प्रोग्राम चेंज धीरे धीरे हो जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। तो प्रोग्राम चेंज करने के लिए आपको हमारी संगत में आ जाएंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं। दूसरा, मेहनत के बाद उस आपको अगर भरोसा है, उसके बाद मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप मेहनती इंसान हैं, तो आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं ये बिजनेस, काफी लोग बोलते हैं जो उनकी जीवनी सुनोगे तो बोलते हैं बहुत परेशानी हुई। मैं बिल्कुल कह रहा हूं 1% भी परेशानी नहीं है इस बिजनेस। अगर हम मेहनती हैं तो कोई परेशानी,
मैंने काफी लोगों को सुना, काफी किताबों को पढ़ा, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को सुना, एक ही चीज निकल करके आई है सर, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, दो चीजें जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक इंसान का खुद पे भरोसा और दूसरा इंसान की मेहनत। दो चीजों के आगे अच्छी सी अच्छी चीजें घुटने टेक सकती है, मतलब एक इंसान का खुद पे भरोसा और एक इंसान की मेहनत। आपने देखना मैरी कॉम क्या कह रही है, मैं अपनी लगन और हिम्मत के कारण इस मुकाम पे पहुंचा, मैं अपनी लगन और हिम्मत के कारण इस मुकाम पे, लगन यानी काम की लगन, दिन रात मेहनत मेहनत मेहनत। ये साहब डैन पेना है, इन्होंने बोला है ये सेल्फ मेड अरबपति हैं, सेल्फ मेड अरबपति। इन्होंने बोला कि अगर आपको जॉब में रहना है तो आप जॉब में अगर आपको रहना है तो आपको कम से कम 11.5 घंटे मेहनत करनी चाहिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको 12.25 घंटे मेहनत करनी चाहिए, और अगर आपको अपने धंधे में टॉप 10 में रहना है तो आपको लगभग 12.5 घंटे मेहनत करनी चाहिए, और अगर आपको एक्सीलेंट अपने क्षेत्र में नंबर 1 पे रहना है तो दोस्तों हमें कम से कम 14.5 घंटे मेहनत करनी चाहिए। जब इस व्यक्ति का एक पत्रकार ने बोला कि इंटरव्यू ले रहा था और इससे डैन पेना से पूछा कि सफलता के लिए क्या चाहिए, इस व्यक्ति ने बोला कड़ी मेहनत, उस व्यक्ति ने बोला सर और कोई चीज, मतलब भाग्य भी होता है, तो इस व्यक्ति ने उस पत्रकार को डांट मार दी, तो बोला सर अगर आप 14 घंटे मेहनत करोगे, 14 घंटे मेहनत करोगे तो आप अपने परिवार को टाइम कब दोगे, उस पत्रकार ने बोला। तो इसने उस पत्रकार को इतनी भयंकर डांट मारी, बोला आप नौकरी नहीं कर रहे हो, आप अपना सेल्फ मेड करोड़पति बन रहे हो, अरबपति बन रहे हो। ये धंधा भी मैंने आपको पहले बोला था, ये जो हमारा बिजनेस है सेलिब्रिटी वाला जीवन है, आप यूनिक काम कर रहे हो, आप अपने खानदान का इतिहास लिख रहे हो, 7 पीढ़ियों में आपके नाम की फोटो लगेगी, 7 पीढ़ियों में आपके नाम का दिया जलेगा, आपके नाम के भाई साहब आने वाले टाइम के अंदर जैसे पहले के राजा महाराजाओं को आज हिस्ट्री के अंदर याद किया जाता है, आज हिस्ट्री के अंदर पहले के राजा महाराजाओं को याद किया जाता है, आने वाले टाइम के अंदर आपके घर के राजा महाराजा आप होंगे, भाई साहब मेरी बहन आप रानी लक्ष्मीबाई को लोग याद करते हैं वैसे आपको याद करेंगे, लोग महाराणा प्रताप को याद करते हैं वैसे आपको याद करेंगे, आपका नाम योद्धाओं में होने वाला है, कमांड बनेंगे आप आने वाले टाइम में। तो अपनी मेहनत का कोई तोड़ नहीं होना चाहिए, अभी मिशन लेके काम करना है। अभी योगी साहब को देखिए, उनका फादर एक्सपायर हो गया और वो अपने फादर के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, क्यों? मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पर्सनल आदमी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके जज्बे को जरूर सलाम, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि किसी भी इंसान का, आप विराट कोहली के बारे में जानते हो, जब उनके फादर एक्सपायर हुए तब उस टाइम वो क्या कर रहे थे, आप तेंदुलकर के बारे में जानते हो, मतलब एक ही चीज है, महान लोग जो बनते हैं, जिस इंसान को टॉप पे जाना है, आप शाहरुख खान को सुन लीजिए, आप किसी को भी सुन लीजिए, आप अमिताभ बच्चन जी को सुन लीजिए, भाई साहब हर इंसान ने एक ही चीज बोला है, मेरी सफलता के पीछे मेरी कड़ी मेहनत है, और कड़ी मेहनत का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इसको इस बिजनेस में, हमें इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो कड़ी मेहनत हमें करनी के लिए तैयार हो जाना, तभी हम टॉप में चले जाएंगे। बॉक्सिंग मैच की तरह जिंदगी के खेल में भी हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। गिर के उठना सीखिए जीवन में, ये नहीं है कि एक बार गिर गए, कई साथी बोल देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 2001 में मुझे सेफ सोप मिली थी और मैंने 2 डीडियां दी थी सेफ सोप में, ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया था उसने दोबारा आकर के मेरे से मिला नहीं, और मुझे पता ही नहीं था क्या बिजनेस है, तो मैं इस बिजनेस को नहीं कर पाया था। लेकिन दोबारा जब मुझे राठौड़ साहब ने बताया, मैंने दोबारा फिर नई आइडिया लगा करके इस बिजनेस को शुरुआत किया, नया प्रोडक्ट लेके बिजनेस को शुरुआत किया, और आज आपके सामने हूं। आपको मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मेरे पीछे का अनुभव तो बैड था, पीछे के अनुभव के हिसाब से तो मुझे दोबारा चांस नहीं लेना चाहिए था, मुझे दोबारा प्रयास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं इस बिजनेस में असफल हो चुका था। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, हम बिजनेस में कितनी बार असफल हो चुके हो, कितनी बार गिर चुके हो, लेकिन हमारा जोश और जज्बा दोबारा खड़े होने का होना चाहिए, हमेशा खड़े होइए। अब हम कितनी बार असफल हो चुके हैं, आज हमारी कितनी भी टीम है, आज हमने पहले कुछ किया कि नहीं किया,
आज से पहले हमने कोई कीर्तिमान रचाया नहीं या नहीं रचाया जीवन में, लेकिन आज हमें इसी पल ये डिसाइड करना है कि मैं इस बिजनेस में टॉप में जाऊंगा। आज इसी पल ये डिसाइड करना है कि मैं सबसे बड़ा अचीवर बनूंगा, सबसे पहले डायमंड बनूंगा, सबसे पहले मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। आज ये सोचिए, इसी पल सोचिए, पहले के सारे एक्सपीरियंस जला दीजिए, इसी पल सोचिए। दोस्तों, नेतृत्व करने के लिए उम्र नहीं, साहस की और अक्षमता चाहिए। भाई साहब और मेरी बहनों, नेतृत्व करो, आगे चलो, इंजन बनो, डब्बे नहीं बनने। अपनी जिम्मेवारी लो, अपनी टीम की जिम्मेवारी लो, खुद की जिम्मेवारी लो, और जो हमारे चारों तरफ लोग हैं उनकी जिम्मेवारी, नेतृत्व करो। अब जब ऊपर वाले ने मौका दिया है नेतृत्व करने का, क्योंकि ये नेतृत्व करने का मौका नौकरी में नहीं मिलता, दूसरी चीजों में नहीं मिलता, यहां मिल रहा है आपको। नेतृत्व करो, जब भी मौका मिले नेतृत्व करो, एक कदम आगे बढ़ाओ, पहल करो, टारगेट जीतो, बड़े चेक बनाओ, टीम में बनवाओ और दिखाओ, पहल करो। ये जिम्बाब्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोला है अगर एक लड़की को सिक्स पैक लड़के और छह कार में से छह कार के मालिक को चुनने का मौका दिया जाए तो वो सिक्स पैक वाले को नहीं चुनेगी, छह कार वाले को चुनेगी। और इसने बोला जिम में जाना बंद करो, काम करो। मेरा संदेश आप समझ गए। अगर लड़की को छह पैक वाला और छह कार वाले में से एक को सिलेक्ट करना पड़े तो किसी भी लड़की को पूछ लेना किसको सिलेक्ट करेगी। मैं लड़की होती तो मैं तो कार वाले को सिलेक्ट करती, क्योंकि पैक वाले का क्या आचार डालेंगे। हर कोई बोल रहा है सिक्स कार वाले को एक्सेप्ट करेगी। वरमाला हाथ में हो, एक तरफ सिक्स पैक वाला नमूना खड़ा हो, अठन्नी जेब में नहीं हो, कपड़े बढ़िया नहीं हो, और एक तरफ छह कार ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाला खड़ा हो, तो लड़की बोलेगी बाढ़ में गई सिक्स पैक, मेरे को क्या आचार डालना है, मेरे को बॉडीगार्ड रख लूंगी मैं तो। और ऐसे ऐसे बोला बहुत बाउंसर मिलते हैं सिक्स पैक वाले, मेरे चारों तरफ घूमेंगे, वो छह कार वाले को माला डालेगी। इसका मतलब फालतू के चक्रों में मत पड़ो, काम करो, प्लान दो, फॉलोअप करो, इन्विटेशन करो और टारगेट जीतो, टीम में टारगेट जिताओ। जितने फालतू के काम कर रहे हैं, बाल सवारने में, मेकअप करने में, जितने फालतू के चैटिंग सेटिंग करने में, सारे काम धरती के बंद कर दो, एक ही जगह फोकस करो, काम 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 काम। काम से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। टहलना बंद कर दीजिए जीवन में। अगर सफलता चाहिए तो टहलने से नहीं सफलता मिलेगी, कर्म करने से सफलता मिलेगी। ये चीज मैंने सीखी है। सचिन तेंदुलकर साहब ने कर्म किए, ऐसे बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब सबसे पहले जाके सुबह उठ के नेट के ऊपर प्रैक्टिस कर करके आते हैं, उसके बाद इनको आज इस मुकाम पे पहुंचे। और सुबह प्रैक्टिस करने से पहले ये मल्टीमीडिया को हाथ भी नहीं लगाते हैं। दशरथ मांझी जी ने कर्म की वजह से, कड़ी मेहनत की वजह से इस मुकाम पे दशरथ मांझी आज सुपरस्टार बन गए। मिल्खा सिंह जो ईएमई कोर के अंदर, हमारी कोर के अंदर, ईएमई कोर के अंदर एक कुक होते थे, और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत की वजह से आज उसके उनके ऊपर पिक्चर बन चुकी है। इसका मतलब दुनिया में मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मिल्खा सिंह को भरोसा था, दो चीज इंसान को चाहिए, एक भरोसा और एक कड़ी मेहनत। मिल्खा सिंह को अपने आप पे भरोसा था, कड़ी मेहनत की सफलता कदम चूमी। दशरथ मांझी को अपने आप पे भरोसा था और कड़ी मेहनत की, उनकी भी सफलता ने कदम चूमे। गीता फोगाट, साक्षी मलिक, इनको भरोसा था हम लड़की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कुश्ती लड़ेंगी और हम गोल्ड मेडल जीतेंगी, इनको भरोसा था और इन्होंने कड़ी मेहनत की। साक्षी मलिक से जब पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, बोली मैंने 7 साल की उम्र में बाहर जाना, फालतू की चीजें बंद की थी और आज तक मैं कहीं नहीं गई, जब वो मेडल जीत करके लेके आई। दोस्तों, मिशन एक ही होना चाहिए, जीतना। मिशन एक ही होना चाहिए, अपने काम में टॉप पे जाना। जब आ ही गए इस बिजनेस में, जब आ ही गए, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ गए तो भाई साहब अमिताभ बच्चन बनना है, अगर हम क्रिकेट के अंदर आ गए,
तो हमें तेंदुलकर और धोनी बनना है, और अगर हम सेफ सोप में आ गए तो हमें हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब की तरह पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप एक दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि हम इस बिजनेस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए आए, नए नए कीर्तिमान लिखने के लिए आए। अरुणिमा सिन्हा को देख लीजिए, ये लड़की वॉलीबॉल खेलती थी, जब पैर कट गए तो इसने माउंट एवरेस्ट पहाड़ों पर चढ़ने का डिसीजन लिया। इसके अंदर क्या काबिलियत है भाई, इसके पैर कटने के बावजूद भी एक इसको भरोसा था, दूसरी इसने मेहनत की। तो भरोसा और मेहनत, जिंदगी में अगर एक्स्ट्रा पाना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पाना है। अगर हमें जिंदगी में सेहत बनानी है तो खाना अच्छा खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिम में जाकर के। और जिंदगी में अगर हमारे को मेडल चाहिए, सेफ शॉप में डायमंड बनना है, तो जो भी सिस्टम की बातें वो करने की तैयार हो जाए। हर सफल इंसान की पहचान उसकी सकल व नाम से नहीं होती, उसके धंधे से होती है। इसका मतलब दुनिया में सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा काम। सफल होना है तो अपने धंधे से सबसे ज्यादा प्यार करें। बस अगर जीवन में सफल होना है तो जो काम हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करें, उसको एक नंबर पे रखें। कई साथी सोचते हैं कि दूसरी चीजों को प्यार कर ले तो दूसरी चीजों को प्यार करने से जनसंख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक ही चीज से प्यार करें, अपने काम, अपने काम, अपने काम। तो अपने काम से सबसे ज्यादा हमें प्यार करना है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की पहचान एक्टिंग से है। क्रिकेट का नाम लेंगे तो तेंदुलकर की पहचान निकल करके आएगी। तेंदुलकर किससे, तेंदुलकर का भाई भी है, अमिताभ बच्चन का भाई भी है, धोनी का भी भाई होगा। हर जो सेलिब्रिटी है उनके भाई बहन है, लेकिन उस हर इंसान की पहचान उसके काम से हुई है, उसने अपने काम में टॉप किया। तो एक ही काम है, ये बात मुझे समझ में आएगी थी, मुझे अपने काम में टॉप करना है। और ये जोश और जुनून पहले दिन से हमने अपने आप में बर रखा है कि हमने अपने काम से मोहब्बत है, मुझे सेफ सोप से मोहब्बत है, मुझे अपने सिस्टम से मोहब्बत है, मुझे प्लान से मोहब्बत है, मुझे इन्विटेशन से मोहब्बत है, मुझे अपनी टीम से मोहब्बत है। और दोस्तों आज जमाना, अब पहले 2G था, फिर 3G, अब 4G आ गया, और आने वाले टाइम में 5G। पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वन डे आए, आज 2020। तो अब वो जो पहले के, अगर आप किसी की CD सुन रहे हैं, अगर पहले की किसी की आप ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, तो पुराने हमारे जो लीडर होंगे वो बोलेंगे कि सेफ शॉप के अंदर डायमंड बनने के लिए 3 से 5 साल चाहिए। लेकिन अब ये वर्जन पुराना हो चुका है, अभी डायमंड बनने का जो लेटेस्ट वर्जन है वो दोस्तों कम से कम 9 महीने का आ गया है। आप 1 से 2 साल के अंदर लास्ट है। अगर कोई बहुत ही पहले टेस्ट मैच का खिलाड़ी रहा है, अगर किसी ने पहले टेस्ट मैच का खिलाड़ी रहा है गलती से, जो लोग फ्रेश आ रहे हैं, जो मेरे को आज कोई फ्रेश व्यक्ति सुन रहा है, आज कोई पहली बार सुन रहा है, तो आप सीधे टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं बनना है आपको, आपको वनडे का प्लेयर नहीं बनना है, आपको सीधा 2020 का प्लेयर बनना है, आपको हर बॉल के ऊपर चौका और छक्का मारना है, आपको आउट होने का खतरा नहीं है। यहाँ 2020 मैच में तो आउट हो सकते हैं। तो आप आज एक डिसीजन लीजिए कि आप 2020 खेलेंगे। आप अपने अपलाइन से पूछिए कि मुझे 2020 खेलना सिखाइए। आप बोल दीजिए कि मुझे 2020 खेलना है। और अगर आपकी अपलाइन टेस्ट मैच की भी प्लेयर हो तो आप अपनी अपलाइन को बोलना कि मेरे को जल्दी 2020 के कोच से मिलाओ, क्योंकि मुझे 2020 मैच खेलना है और मुझे इस बिजनेस में अगले 1 साल के अंदर अंदर डायमंड बनना है। 1 साल के अंदर आप डिसाइड करिए, 2 साल के अंदर आप वीनस मरकरी के बारे में सोचिए। अब 2020 कैसे होगा इसका मैं आपके बारे में जानकारी दे देता हूं। इस बिजनेस में सिंपल काम है और जीवन भर यही काम करने, इसको छोड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे को लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद हमारे को लोगों को इन्वाइट करना है, प्लान दिखानी है, फॉलो अप करना है, FIM करनी है और कोर बनना है। हमें खुद को कोर बनना है, अपनी टीम में कोर बनाने, और इसी प्रोसेस को हमेशा करते रहना है। बाकी जो ज्यादा सीखने की चीजें हैं वो आप अपनी अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से सीखते रहेंगे। क्योंकि अब मैं बात करता हूं 2020, आज मुझे जो मौका मिला है ये है 2020 मैच कैसे खेला जाए। आज जो मुझे मौका मिला है, मैंने आज तक के अनुभव के हिसाब से बता देता हूं और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बाकी मैंने दूसरे लोगों को देखा है। आज आपको जल्दी सफलता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप जल्दी कामयाब कैसे हो, जल्दी डायमंड कैसे बने, जल्दी डबल डायमंड, ट्रिपल, वीनस, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर कैसे बने। तो सबसे पहले इस बिजनेस का हमें कोर बनना है, और जो भी व्यक्ति हमारी टीम में आए उसको कोर बनाना है।
सबसे पहले हमें इस बिजनेस का कोर बनना है और दूसरा हमें जो भी हमारी टीम में आए उसको कोर बनाना है, और एक हमें खुद को टारगेट जीतना है और अपनी टीम में टारगेट जीतना है। दोस्तों अगर ये काम कर लिया आपको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, आप अगले 9 महीने में डायमंड बन सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपके सामने अभी बिल्कुल बताऊंगा और आप खुद एक्सेप्ट कर जाएंगे। आप कोर बनिए और आप अपने अपलाइन को तुरंत बोलिए कि मुझे टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है। टारगेट जीतने का मुझे तरीका बताइए सर, टारगेट मुझे टारगेट भी जीतना है और अपनी टीम में भी टारगेट जिताने। हमारा मिशन एक ही होना चाहिए, टारगेट 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 टारगेट। अगर आप 3 महीने के अंदर इस बिजनेस में आते हैं और 3 महीने के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर आप टारगेट जीतते हैं और अपनी टीम में लेफ्ट राइट दो लोगों को भी टारगेट जिताते हैं, तो आप सीधा इस बिजनेस में गोल्ड बन जाएंगे, यानी डाइसो की टीम को पार कर। कई जो तो पहले ही 3 महीने के अंदर एक टारगेट में 500 की टीम बना लेते हैं। हमारे यहाँ पर विकास डूडी जी हैं, फौजी साहब, उन्होंने आते ही यूरोप का टारगेट जीता और धुआंधार अपनी टीम के अंदर भी टारगेट जिताए और बहुत जल्दी जबरदस्त पारी उन्होंने खेली। आप पहले टारगेट में गोल्ड से, गोल्ड लेवल से और पर्ल लेवल को छू सकते हैं, पहले टारगेट। अब जब दूसरा टारगेट आए तो आपका मिशन होना चाहिए अपनी टीम में टारगेट जिताने का। अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप टारगेट जिताएं, यानी आप अपनी टीम में टारगेट जिताना, जो काम आपने किया था वो पूरा काम प्रोसेस आप अपनी टीम में शुरू कर दीजिए, आप एमरल्ड बन जाएंगे। और तीसरे टारगेट में आप अपनी पूरी टीम में एक मुहिम चला दीजिए कि टारगेट जीतो जिताओ, टारगेट जीतो टारगेट जीतो टारगेट जीतो टारगेट जीतो टारगेट जीतो, हर आदमी को टारगेट टारगेट टारगेट। और दोस्तों आप अगले 3 महीने में, मैं गारंटी दे रहा हूं, एमराल्ड से सीधा रूबी पूंछ, डायमंड पूंछ, आपको दुनिया में कोई रोकने वाला। मैं अपनी कहानी बता देता हूं, मैंने 2008 लास्ट में स्टार्टिंग की थी, अक्टूबर 2008, उस टाइम 2G का जमाना, 4G का जमाना, मैं फौजी था, मेरी अपलाइन सिविलियन थी, ग्रेट मेंटर सुनहरी लाल साहब की मेंटरशिप में मैंने काम किया। तो मैंने आया और आते ही मैंने पहली बार ताबड़तोड़ टारगेट जीतने की प्लानिंग की, टारगेट जीतने के लिए भागदौड़ की, मेरा टारगेट नहीं हुआ, 2 या 3 DD से रुक गया। मैं रोया तो राठौड़ साहब ने मुझे गले लगाया, बोला कोई बात नहीं नागल, आपका कंपनी का टारगेट नहीं हुआ लेकिन हमारी नजर में आपका टारगेट हो गया, कोई बात नहीं। ये बात राठौड़ साहब ने बोली और मुझे गले लगाया। मैं बोला नहीं सर, मैं टारगेट जीतू। अगला टारगेट आया 31 मार्च 2009 को, आखिरी दिन, मुझे 18 DD की जरूरत थी और सुबह 10 बजे मेरी अपलाइन का मेरे पास फोन आता है, मेरे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब का, और मेरे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब बोलते हैं, नागल जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपसे ग्रेवाल साहब बात करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। मैं बोला सर किस बात की? बोला आप टारगेट जीत लिया, आपने आप टारगेट जीत रहे हो। और उन्होंने ये बात बोल करके मेरे ग्रेट मेंटर ग्रेवाल साहब को फोन लगा दिया और फोन दे दिया। ग्रेवाल साहब ने मेरे को बोला, नागल कॉन्ग्रेचुलेशन, तूने तो फौजी आदमियों का नाम रोशन कर दिया, फौज का नाम रोशन कर दिया, बधाई हो, तूने टारगेट जीत लिया। और दोस्तों न तो मेरे दिमाग में था कि मुझे टारगेट जीतना है, न मेरे कोई विचार था, अपलाइन की इस छोटी सी बात ने, इस छोटी सी बधाई ने मैंने विश्वास कर लिया। और दोस्तों सुबह 10 बजे मैं कैंटीन में नौकरी करता था, मैं कैंटीन के छोड़ करके, और 31 मार्च 2009 का वो दिन, सुबह 10 बजे मैं निकला था कैंटीन से, CST कैंटीन से, और शाम को 4 बजे जब मैं वापिस आया बैंक के अंदर, मेरे हाथ में 21 DD थी दोस्तों, वन से मेरे हाथ में था, और मैंने अपनी जीवन का पहला टारगेट जीता था। उस दिन मेरे को इतना भरोसा हो गया था, उस दिन के बाद मेरे जीवन के अंदर आज तक कंपनी ने जब भी टारगेट दिया, 18 से ज्यादा बार टारगेट जीत चुका हूं। उस टारगेट जीतने की वजह से 2009 के अंदर अक्टूबर के नवंबर के अंदर मैं परल बन गया, परल की मेरी रिकॉग्निशन हुई। उसके मात्र 6 महीने के बाद हरिशंकर सर का डायमंड सेलिब्रेशन था, उसमें मैं टोपाज बना, और उसके बाद मान लीडर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब का डायमंड सेलिब्रेशन था, उसके अंदर मैं एमरल्ड बना, और उसके बाद सितंबर के अंदर यही टारगेट जीतने की वजह से और टीम में जितवाने की वजह से मैं रूबी बन गया। और दोस्तों हमें पता नहीं था, आज जैसे मैं मोटिवेट कर रहा हूं, मां कसम, भगवान कसम, साक्षी है, ये सारी अपलाइन बैठी है, किसी ने ये
मोटिवेट नहीं किया, तुम रिकॉर्ड बना सकते हो, तुम तुर्रम खा हो, तुम बहुत बड़े लीडर हो, तुम ये कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्या मतलब हमेशा सुनहरी सर मेरे से बात बोलते थे, बोला तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हारी टीम अच्छा कर सकती है। और सेफसोप की हिस्ट्री के अंदर, सेफसोप की हिस्ट्री के अंदर पहली बार 26 लोगों ने थाईलैंड के टारगेट जीते। एक सप्ताह के अंदर हमने 900 डीडी भेजी, एक सप्ताह के अंदर। और रियल बता रहा हूं, मेरे को किसी ने बोला ही नहीं कि फौज की नौकरी छोड़ दे क्या। जब मेरी पोस्टिंग आई तो मैंने एक महीने में लोकल डिस्चार्ज हो गया। अगर मेरे को कोई जिस दिन मैं फौज में आया उसी दिन बोल देता कि नागल तू नौकरी छोड़ के अगर काम करेगा तो तू कीर्तिमान लिख सकता है, तो मां कसम में उसी दिन छोड़ देता। क्योंकि हम तो आए थे रिकॉर्ड बनाने के लिए, टॉप पे जाने के लिए। तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। मैंने के अंदर लोकल चार्ज पेंशन मेरे को 6 महीने बाद मिलनी शुरू हुई। फिर एक ही मिशन था, टॉप में जाना, टॉप में जाना। मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, अगर एक चीज ठान ली, क्योंकि दोस्तों दाल रोटी तो आप कहीं से भी खा लोगे, अपने परिवार के छोटे मोटे काम तो आप कहीं से भी चलाओगे, लेकिन जो हिस्ट्री लिखने की बात है, जो खानदान में एक नाम लिखने की बात है, जो एक सेलिब्रिटी बनने की बात है, जो अपने काम में टॉप पे जाने की बात है, अपने खानदान का इतिहास लिखने की बात है, अपने सपने पूरे करने की बात है, तो दोस्तों एक ही मिशन के पीछे जुट जाइए, रिकॉर्ड बनाना इस बिजनेस में। अगर आप आई गए, अगर आप कूद ही गए, जानबूझ के कूद गए या गलती से किसी ने कुदा दिया आपको, कोई बात नहीं। जब आप आई गए तो साहब और मेरी बहनों इस बिजनेस के रोल मॉडल बनकर के निकलना है, टॉप पे जाना है, सेलिब्रिटी बनना है, तो एक ही मिशन ठान ले, कोर बने, टारगेट जीते। आप अगले एक साल में पक्का डायमंड है। आप देख लीजिए सामने, आपके सामने उदाहरण है सिल्वर लेवल के ऊपर। ये मिस्टर प्रकाश कुमावत 15 टारगेट जिताता है सिल्वर लेवल के ऊपर, 818 डीडी 3 महीने में भेजता है। जब ये टाइगर 15 टारगेट जिता के सिल्वर लेवल के ऊपर एक झटके में 818 डीडी भेज सकता है, तो आप भी भेज सकते हैं। यू कैन डू इट। आज से मुट्ठी बांध लीजिए, वादा कर लीजिए, कसम खा लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं भी जीतूंगा, मेरी टीम में भी जिताऊंगा। क्योंकि ये जब लगन हम अपने पीछे लगाएंगे तो यही डुप्लीकेशन आपकी टीम में आपके साथ होगा और एक दिन आपकी टीम टॉप पे मिलेगी। दोस्तों अब मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। जिस मिशन के लिए, जिस विजन के लिए और जिस काम के लिए हम इस बिजनेस में आए थे, हमने एक चीज बोली थी, हम टॉप पे रहेंगे, टॉप पे। हमारा मिशन एक ही है, टॉप, ओनली फॉर टॉप, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में टॉप, सेफ शॉप में टॉप। ये हमारी जिंदगी का मिशन भी है और मकसद भी है, ये हमारा जुनून भी है, ये हमारा पागलपन भी है। आने वाले 2 साल में 2020 और 2021 2 करोड़ की टीम बना रहा है ये अल्टीमेट अचीवर, 2 करोड़ की टीम। आने वाले 2020 और 2021 हम कसम खा चुके हैं, हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं, हम पागल इंसान हैं। हमने जो ठान लिया वो ठान लिया। हमारा एक ही मिशन है, अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाना। क्योंकि दोस्तों दाल रोटी तो कहीं भी खा लेंगे, जीवन यापन तो कहीं भी कर सकते हैं। मैंने बोला जब आई गए इस बिजनेस में, जब आई गए सेफ शॉप में, जब आई गए अल्टीमेट अचीवर में, तो इतिहास ही लिखना है। ये मेरे सामने मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स मुझे देख रहे हैं और मैं आज पूरी अल्टीमेट टीम के भरोसे पे सर, पूरी अल्टीमेट अचीवर मेरा स्वाभिमान है। आज मैं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब हमारे ग्रेट मेंटर, वो तो महान आत्मा है, वो तो हमारे सबके भगवान है, वो तो कोई पवित्र आत्मा है जिनका आशीर्वाद हमारे को पिछली जन्म से मिला हुआ था। सर आपका तो आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। और आज मैं सबके सामने, अपने सभी ग्रेट मेंटर्स के सामने कह रहा हूं, हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब और श्री देवेंद्र शर्मा साहब, आपने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, आपने हमारे को बच्चों की तरह पाला,
आपने हम पे विश्वास किया। श्री देवेंद्र शर्मा साहब, आपने हमको सिखाया, आपने हम पे भरोसा किया, आपने हम पे विश्वास किया। मेरे ग्रेट मेंटर श्री हरिशंकर साहब, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब, आपके विश्वास को हम सलाम करते हैं। आपके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे, आपकी एक एक उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। मेरे ग्रेट साथी योगी बाबा जिसको मैं बोलता हूं, मैंने वादा किया है अपने दोस्त से, अपने भाई से, कि आने वाले 2 साल के अंदर, 1.5 साल मात्र के अंदर 2 करोड़ की टीम अल्टीमेट अचीवर बनाएगा। इसका हम संकल्प लेते हैं, इसका आज हम वादा करते हैं, इसका हम आज आगाज करते हैं। और मेरे ग्रेट मेंटर्स, आपको फकर होगा हमारे पे कि आप एक फौजी को लेके आए थे, आप एक फौजियों की कमांडो की टीम लेके आए थे। आपको गर्व होगा, आप एक दिन प्राउड फील करेंगे हमारे पे और हमारी पूरी टीम पे, पूरे अल्टीमेट अचीवर पे। हम 2 करोड़ की टीम, हम ज्यादा, क्योंकि हम खेलने के लिए आए, हमें खेलना आता है। हमारे से हमारे को कहीं से टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी, हमारे पास खुद के हथियार है, हमारे पास जोश है, जज्बा है, पागलपन है, दीवानापन है, हर चीज हमारे खून के अंदर भरी हुई है। हमारे माँ बाप ने वो संस्कार हमें दिए, अल्टीमेट अचीवर के हर कमांडो, हर योद्धा के अंदर वो पागलपन है। सपने को पाने के लिए नहीं, समझदार नहीं, पागल होना पड़ता है। पागल, सबसे बड़ा पागल आपके सामने है। ग्रेट मेंटर, अब दंगल होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। सारे फौजी पागल हो गए और इस फौजी को कोई संभाल नहीं सकता। एक एक साल में डायमंड बनाएंगे, एक एक साल में चुन चुन के डायमंड बनाएंगे। आज जो हमारी टीम में आएंगे उनको चुन चुन के टारगेट जितवाएंगे, चुन चुन के डायमंड बनाएंगे। 6-6 महीने से लेके 9-9 महीने में डायमंड बनाएंगे। श्रीमान डायमंड, ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है अल्टीमेट अचीवर की, ये पावर है हमारे कमांडो की। और हम आपसे वादा करते हैं, अगर काम करने की परिभाषा नहीं बदली हमारी सेना ने, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत सेना हमारे पास है। और बोला जाता है कि अगर शेरों की सेना का कमांडर कोई भेड़ हो तो उससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भेड़ों की सेना का कमांडर शेर हो तो कुछ भी कर सकता है। और हमारे पास सेना भी शेरों की है और कमांडो हमारे सेनापति बब्बर शेर, बब्बर शेर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी वीडियो को पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। हर घर के अंदर इस फौजी की ये आवाज जाएगी, हर घर के अंदर इस फौजी का ये ऐलान जाएगा। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट अचीवर का होगा और हमारे आदर्शों का होगा। ये पूरे अल्टीमेट अचीवर के कमांडो आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, आज इस जंग का ऐलान करते हैं। आने वाला टाइम 2020 और 2021 हमारा होगा। ग्रेट मेंटर, हम और हमारी टीम आपका स्वाभिमान है, हम और हमारी टीम आप हमारा स्वाभिमान है और हमारी टीम आपका स्वाभिमान है। और आपका साथ मेरे साथ है, श्री योगेश यादव साहब का साथ मेरे साथ है, टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब का साथ मेरे साथ है, हरिशंकर साहब का साथ मेरे साथ है, श्री देवेंद्र शर्मा साहब का साथ मेरे साथ है और श्री नरसिंह, श्री सुनहरी लाल साहब का साथ मेरे साथ है। हमारी पूरी टीम के साथ आप सबका साथ है। और जब आप पांचों का साथ हमारे साथ है तो दुनिया में रोकेगा कौन, मेरे को बता। मेरे को एक बार भी ये समझ में नहीं आ रही कि रोकेगा कौन। हम कीर्तिमान लिख रहे हैं, 21 मार्च 2021 को हम 1000 डायमंड तो योगी बाबा लेकर के आ रहा है। हम बोल चुके हैं 1 करोड़ की टीम योगी बाबा और 1 करोड़ की टीम नागल लेके आ रहा है। श्रीमान 2 करोड़ की टीम की तैयारी करना, ढोल नगाड़े बजा लेना और उसी हिसाब से आगाज कर देना।
हम पूरा अल्टीमेट अचीवर 2000 डायमंड ठोक रहे हैं श्रीमान, 2000 डायमंड 2021 मार्च को 2021 को 2 करोड़ की टीम हिंदुस्तान के हर घर के अंदर सेफ सॉप भागवत गीता हनुमान संपूर्ण हनुमान, अरे मैं तो भगत हूँ हनुमान का, घर घर पहुंचा दूंगा संपूर्ण हनुमान भागवत गीता नोनी डायबा के शैंपू साबुन कपड़े 5 करोड़ भी होता है, 5 करोड़ हमारी एक सेना है, ये एक एक के ऊपर भारी पड़ रही है, एक एक डायमंड से बात कर रहा हूं मैं, डायमंड 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 यार प्राउड ऑफ यू श्रीमान। 21 मार्च को आप कम से कम ये कवराउन एम्बेसडर तो मैं दे रहा हूं श्रीमान, हमारी सेना दे रही है पूरा अल्टीमेट अचीवर, तो आप तो सिर्फ अब ताज बनाना क्राउन एम्बेसडर के स्टार्ट कर देना, विक्रम साहब चतुर्वेदी साहब त्यागी साहब लक्ष्य जी सतीश जी सोहन जी यादव साहब अक्खाराम जी दुरंदेश जी मनमोहन जी धीरेन्द्र जी नेकी साहब सुरेंद्र पनवर जी विनोद साहब विजेंद्र मीणा जी संजय जी सुनील साहब हेमंत जी सुधीर जी मनीष जी, ये सब क्राउन एम्बेसडर बन के आ रहे श्रीमान, सब क्राउन एम्बेसडर। तो अल्टीमेट अचीवर में सारी टीमें मिलके मुझे ऐसे लग रहा है सैकड़ों क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं, जोरदार ताली आपके लिए। जितने भाई बहन आज मुझे सुन रहे हैं, जितने आपके परिवार के सदस्य सुन रहे हैं, अगर आपका बेटा अगर आपका भाई अगर आपका कोई भी रिश्तेदार आज सेफ शॉप में है, मैं आज यहां एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेरा बाप फौजी था, मैं फौजी हूं और मेरे बेटे को भी सबसे पहले फौज में जाना पसंद है, बिल्कुल नहीं रोकूंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन फौज में और हमारे मैंने अपने परिवार से और अपने संस्कारों में एक चीज सीखी है कि बेटा जान जाए पर वचन न जाए। अगर असली बाप की औलाद है, असली अगर खानदानी है, तो हाथ डाल दिया पीछे नहीं हटना। और हर माता बहन हर माँ जो मेरी आवाज सुन रही है, अपने बच्चे को बोल कि मैंने तेरा दूध मैंने तेरे को दूध पिलाया है, मेरी दूध की लाज रखना बेटा, जा और सेफ शॉप में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखा, मेरे भाई जा सेफ शॉप में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखा, मेरे बेटे जा सेफ शॉप में क्राउन एम्बेसडर बन के दिखा, मेरे बेटे मेरे भाई मेरे दोस्त जा खुद भी बहन और हजारों लोगों को बना के भी दिखा, तब फकर होगा। असली काम ये है, रोकने से काम नहीं चलेगा, रोकना ये नहीं सोचना कि मेरे बेटे का क्या होगा, आपके बेटे का आपकी बेटी का वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा, और खुदा को मंजूर है तभी आप हमें सुन रहे हैं। आपका बेटा बेटी भाई बहन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्राउन एम्बेसडर बनेगा और हजारों लोगों को बनाएगा। दोस्तों 1 करोड़ की टीम, ये देखिए 2 करोड़ की टीम के साथ अल्टीमेट अचीवर का आगाज हो रहा है, मिशन टारगेट जीतना बस यही है, बाकी हमारे सारे योद्धा कमांडो तैयार हैं। लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे सारे कमांडो पहले से ही सारे एक्सपीरियंस हैं। हर लीडर एक ही तैयारी कर ले आज से, एक ही मिशन बना ले कि मैं कोर बनूंगा टारगेट जीतूंगा, कोर बनूंगा टारगेट जीतूंगा, कोर बनूंगा टारगेट जीतूंगा, अपनी टीम में जिताऊंगा। पागलपन दीवानापन एक ही चीज का होना चाहिए। भाई साहब कल मैं हनुमान चौधरी जी को सुन करके, क्योंकि ये बात मैंने मेरे ग्रेट मेंटर जब मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मैंने पहला सेलिब्रेशन देखा था आगरा में जाकर के, और उसके अंदर मेरे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने बोला था ये सेफ शॉप 8 लाख रुपए वाली भैंस है और कोई मर्द का बच्चा इसका दूध निकाल सकता है। मैंने तो निकाल करके दिखा दिया, आप में से कोई मर्द का बच्चा है तो निकाल के दिखा दो। ये बात आज से 10 साल पहले जब मैंने सुनी थी तब मैं एक बार खड़ा हुआ था, आज अगर मेरी भी बात तुम सुन रहे हो कोई बात नहीं, अब मोबाइल टीवी जो कुछ है विस्फोट हो रहा है तो हो जाने दीजिए, लेकिन अब मुट्ठी बांध लीजिए प्रण ले लीजिए, क्योंकि हम सब अल्टीमेट अचीवर की आन बान शान है, हम अपने परिवार का स्वाभिमान है,
हम अपनी अपलाइन का स्वाभिमान है, हम अपनी टीम का स्वाभिमान है, हम अपने बीवी बच्चों का, भाई बहन का, हम अपने समाज का स्वाभिमान है। और मालिक ने, अल्लाह ने हमें चुना है एक खास काम करने के लिए। और जब ग्रेवाल साहब ने बोला था ये 108 लाख रुपए वाली भैंस है, कोई मर्द का बच्चा इसका दूध निकाल सकता है, तो मेरे मन में एक विचार आया कि बाप तो मेरा भी मर्द था और माँ तो मेरी भी मर्दानी थी। आग लग गई और वादा किया और वो 8 लाख वाला भी दूध निकाला और फिर सर ने एक बार फिर आग लगा दी, क्योंकि थैंक्स, ऐसे मेंटर मिलना चाहिए। सही कोच वही होता है, सही बाप वही होता है जो अपने बच्चों का 100% पोटेंशियल निकाल दे। सही आर्मी में इंस्ट्रक्टर वही होता है जो रिक्रूट को रगड़ करके और सही फौजी बना दे। सही कोच वही होता है जो अपनी टीम का 100% पोटेंशियल बाहर निकाले। थैंक्स ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपको प्राउड करते हैं। आपने 2 लाख के लिए प्रेरित किया, हमारी सेना ने 2 लाख के चेकों की लाइन लगा दी। आपने जब 7 लाख के लिए प्रेरित किया, हमारे अल्टीमेट अचीवर के योद्धाओं ने, कमांडो ने 7-7 लाख की लाइन लगा दी। और अब 4-4 लाख की तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही टीम है, अल्टीमेट अचीवर का हर कमांडो 4-4 लाख की लाइन लगा देगा। सर ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हम तो भैंस का श्रीमान, गाय का, बकरी का दूध निकाल दे और अपनी पे आ जाए तो जिसका नहीं देने का मन हो उसका भी निकाल दें। हम पागल फौजी हैं। एक अल्टीमेट अचीवर में आपने योगी बाबा नागल को गर्म कर दिया है, मां कसम अब वो होगा। चौधरी साहब, हमने ये तीनों बब्बर शेर युवा है और बोलते नागल की उम्र 47, मेरी मात्र 17 हुई है, 17। अभी मैं अंडर 17 चल रहा हूँ, 5 साल 5। हाँ, रोज सुबह नोनी पीता हूँ, बढ़िया बढ़िया सेब सोप के प्रोडक्ट खाता हूँ, सेब से बढ़िया पैसे ले रहा हूँ, सारे मजारे। बूढ़ा होगा मेरे पड़ोसी, नागल बूढ़ा नहीं होगा। मैं 150 साल जीने की सेटिंग कर चुका हूँ। हर अपनी टीम के अंदर जो भी आएगा उसको क्राउन एम्बेसडर बनाने तक मैं धरती से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दोस्तों तैयार हो जाइए टारगेट जीतने के लिए, 4-4 लाख के चेक के लिए, क्राउन एम्बेसडर के लिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं 2020 और 2021 2 करोड़ की टीम के साथ अल्टीमेट अचीवर का हर कमांडो टारगेट जीतेगा, डायमंड बनेगा, क्राउन एम्बेसडर बनेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, गो डायमंड, गो क्राउन एम्बेसडर। जय हिंद, जय भारत, जय हो, जय हो, जय हो, शानदार, बहुत ही ग्रेट नागल साहब, बहुत ही ग्रेट, लाजवाब, कोई तोड़ नहीं। और जितने हमारे साथ पप्पर शेरों ने सुना है, मैं जरूर ये सोच रहा हूँ उनका खून खोल गया होगा और उन्होंने कमिटमेंट कर लिया होगा, इस साल जो डायमंड है वो क्राउन एम्बेसडर और जो साला सिल्वर है वो डायमंड जाएगा। नागल साहब, गुरुजी इतनी आग लग